क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे सही? मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चलो आ जाओ, नखरे नहीं किया करो ज्यादा। काश कोई ऐसा जादू हो कि ये वक्त यही थम जाए। कितना सुकून और राहत है ना इस वक्त में। यकीन ही नहीं है कि ये सब हकीकत है। काश इस वक्त को मुजस्समे में कैद कर सकता, फिर हमेशा इस मंजर को आंखों के सामने रखता। ये एहसास सिर्फ वही जान सकता है जो इस वक्त से गुजर रहा, कोई और बयान नहीं कर सकता। ऐसा एहसास है ये लम्हा कितना खूबसूरत है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि सईद से कितना प्यार करती हूँ मैं। सईद के साथ ये दुनिया जन्नत लगती है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे अंदर की हर बुराई खत्म कर दी है। यूं लग रहा है जैसे मुझे पर लग गए और मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। तुम मिल जाओ बस, मैं दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मुझसे मोहब्बत है ना? मैं क्या बताऊँ, तुम सभी कुछ जानते हो। हाँ सईद, रोइदा की कोई खबर मिली सईद तुम्हें? रुवेदा उस लड़की के पास थी जो टैटूज बनाती है, वो लोग मंशियात बेचते हैं और रुवेदा को भी इस काम में शामिल करना चाहते हैं, मगर रुवेदा कभी ये नहीं करेगी। तो क्या होगा? वो लड़की हॉस्पिटल में है, मैं जाऊंगा उससे तफसील से बात करने के लिए। सईद, लेकिन रुवेदा वापस घर क्यों नहीं आई? मालूम करूंगा अभी मैं। टाइम क्या हो रहा है? दो बज चुके हैं। मुख्तार का ऑफिस खुला होगा इस वक्त? रुको, पूछता हूँ मुख्तार साहब से। चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। आप रहती कहाँ पर हैं? जमुरिया डिस्ट्रिक्ट, ओवरजे के स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर 15, रिसादिया। वहां से फोटोज बनवाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैमरे की तरफ देखिए मैडम। ओके मैडम, काफी है ये। शुक्रिया। दिखाओ। ये मैं रखूं अपने पास ऐसी वॉलेट में? आ जाओ। हेलो सर, आप फ्री हैं? जी हाँ, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा आईडी कार्ड खो गया था, उसी सिलसिले में आई हूँ, नया बनवाना है। जी बिल्कुल बन जाएगा। अपना नाम बताइए प्लीज। जोहरा।
जोहरा। जोहरा कराकिया। जोहरा कराकिया। रजिस्ट्री कहाँ की आपकी? नेफशेर। जोहरा कराकिया, माँ का नाम इस्मा, पाप का नाम हसन। शादीशुदा है? बिल्कुल। खैर, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पते पर पहुंच जाएगा। यानी कि अब मैं भी रजिस्टर्ड हो जाऊंगी ना शहर में? हाँ, फिर हम तुम्हारा सरनेम भी हटा देंगे। और वो कैसे हटाएंगे? तलाक से। लेकिन सईद, ये काम आसान थोड़ी है। हाँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हम बहुत तरीके से सब कुछ करेंगे। चलो चलते हैं, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। हेलो जी, बहुत शुक्रिया। मुझे एक पेशेंट की मालूमात लेनी है। मलाहत हयात। कैसे चली गई? क्या मतलब है, समझा नहीं। आपने तो कहा था वो आईसीयू में है। समझ गए, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? उसने कहा कि वो ठीक है, वो बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? ये एक रिस्क है जोहरा। अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों जा रहे हो सईद? मुझे तो जाना पड़ेगा उसके पीछे। हाँ तो ठीक है, अगर तुम जा सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। क्या कहा? हंस क्यों रहे हो, जोक सुनाया मैंने। बहुत अच्छा लगा, जैसे तुमने कहा अच्छा लगा। हंसने की क्या बात है? बस ऐसे ही, बस बाकी में अच्छा लगा। बस ठीक है, साथ जाऊंगी मैं तुम्हारे। रुको, मेरा इंतजार करो यहाँ, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ बाइक लेने। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा, पेट्रोल भी डलवाना है, बस फिर 10 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर जल्दी आना। हाँ, बस 10 मिनट।